नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो होम्योपैथिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर आधारित है, तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों पे जिस पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आप पहले ये समझ लें कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए परहेज़ कराने को बोल रहा है डॉक्टर या आपको जो बीमारी है उसके लिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि आपको किसी बीमारी में कुछ चीज़ों को नहीं खाना होता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको मना करते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी। जैसे आर्थराइटिस पेशेंट है तो उनको थोड़ा बादी चीज़ें खाने को मना की जाती है। यूरिक एसिड का पेशेंट है तो उनको प्रोटीन वाली चीज़ें कम लेने को बोली जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें आप होम्योपैथी में नहीं खा सकते। उसके पीछे का कंसर्न ये है कि उस बीमारी के होने की वजह से आप ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं। होम्योपैथी में बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिसकी बहुत खुशबू आती हो, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू वाली टेंडेंसी हो। लाइक आप समझ लें कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, लौंग, इलायची, इन सब में बहुत खुशबू होती है और वो आपके मुँह में बहुत देर तक बनी रहती है। होम्योपैथिक दवाएं दोस्तों आपके नर्व पे काम करती हैं और जो आपकी टंग है, आपकी जो जबान है, उस पे सबसे ज़्यादा नर्व्स की एंडिंग पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नर्व मिलती हैं वहाँ पे। इसीलिए आपको छोटी से छोटे नमक, तीखे, मीठे सब का स्वाद समझ में आता है। तो ये दवाएं आपके, इसीलिए हम लोग जब लिक्विड में देते हैं तो बोलते हैं डायरेक्टली टंग पे लीजिए, या जो ग्लोब्यूल्स वाली छोटी छोटी गोलियों में देते हैं उसको बोलते हैं अच्छे से चूसिए उनको, ताकि वो आपके टंग पे स्प्रेड हो सकें। जब वो स्प्रेड होती हैं तब वो आपके टंग के थ्रू जो नर्व्स हैं उनसे एब्जॉर्ब होकर आपकी जो परेशानी वाली जगह है वहाँ पर जाती हैं। तो कंसर्न ये बनता है कि अगर आप इतनी स्ट्रांग चीज़ें जो है जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू है उनको खा रहे हैं, तो उसके वजह से आपके मुंह में खुशबू बहुत ज़्यादा बनी रहती है, तो जो दवाओं का असर है वो थोड़ा कम होने लग जाता है। या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिससे आपके टंग पे बिल्कुल कोटिंग हो गई है, जैसे आप पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसमें बहुत खुशबू होती है और एक कोटिंग सी बन जाती है टंग पे, तो जो नर्व का काम है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता, वो अच्छे से दवाओं को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो बस इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं तो बहुत खुशबूदार चीज़ें नहीं खाएं। लहसुन, प्याज, लौंग, इलायची, जो भी आपको खाना है आप बेशक खाएं, सब्ज़ी में डलवा के खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है। कच्चा मत खाएं जिससे उसकी खुशबू आपके मुंह में बहुत देर तक बनी रहे। तंबाकू को भी ज़रूर अवॉइड करें क्योंकि उसकी भी खुशबू आपको पूरे दिन बनी रहती है और उससे आपके दवाओं का असर बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। और जो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरत है अवॉइड करने की, वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी ऐसी चीज़ है जो आपकी दवाओं के क्वालिटी को एंटीडोट करती, मतलब उसकी क्वालिटी को ख़राब करती है। तो आपको बस एक चीज़ है होम्योपैथी में जिसको ज़रूर अवॉइड करना है, अगर आप होम्योपैथिक दवा में हैं तो उसको आप कॉफ़ी आप अवॉइड करके रखें। जो जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं आप उनको ले सकते हैं खाने के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे दोस्तों, अगर जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं ये कि क्या होम्योपैथिक दवा एक साथ सारी, जैसे अगर तीन चार दवाएं दी गई हैं तो सारी हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने आपको दो दवाएं मिक्स करके लेने को बोली हैं तो आप उन दवाओं को एक साथ मिक्स करके ले सकते हैं। लेकिन अगर बोला है कि जैसे सपोज़ आपको बोला गया कि आर्सेनिक 30 लेनी है और नक्स वोमिका 30 लेनी है, तो आपने आर्सेनिक ली, उसके बाद जैसे अगर आपने गोलियों में ली है तो पहले उसको चूसें जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, उसके 5 मिनट के बाद आप नक्स वोमिका लेंगे, या फिर आपने डाइल्यूशन लिया है तो डायरेक्टली टंग पे, तो 5 मिनट का वेट करें, जब उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो जाएगा उसके 5 मिनट बाद आप नक्स वोमिका जैसे आप ले सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपकी जो भी दवाएं चल रही हैं आप उनमें मिनिमम 5 to 10 मिनट्स का गैप ज़रूर रखें। एक मेडिसिन के एक्शन के लिए मिनिमम 5 मिनट्स का की ज़रूरत होती है। थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है लोगों का कि वो अगर एलोपैथिक दवाएं खा रहे हैं तो क्या वो होम्योपैथिक दवाएं खा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों बिल्कुल खा सकते हैं आप। अगर बहुत बार, इवन मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, और ये चीज़ आप कभी भूल के भी मत करें, अगर आप कुछ ऐसी बीमारियों की दवा खा रहे हैं और या फिर हार्मोनल रिलेटेड किसी परेशानी की दवा खा रहे हैं, जैसे आप समझ लें बीपी है, शुगर है, थायराइड है, इन सारी चीज़ों की दवा अगर आपकी एलोपैथिक की चल रही है, तो आप जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर रहे हैं तो एकदम से मत बंद करें। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को बोला है कि आप छोड़ के होम्योपैथिक दवा पे है, ऐसा आप बिल्कुल मत करें क्योंकि ये कभी कभी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, आपके लिए बहुत ज्यादा सीवियरिटी कॉज कर सकती है।
तो जब भी आप दवा शुरू कर रहे हैं तो आप पहले उनके साथ शुरू करें। जब दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, होम्योपैथिक दवाएं अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी, तब आप शिफ्ट कर सकते हैं। तब भी आप एकदम से बंद नहीं करेंगे, पहले आप जो दवा ले रहे थे उनके डोजेस को कम करें, अल्टरनेट करें, या फिर आप ले रहे हैं तो आधी लेनी शुरू करें, वापस से धीरे धीरे करके तब आप एलोपैथिक को छोड़कर आप सिर्फ होम्योपैथिक पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन एकदम से बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो कम से कम एक घंटे का अंतराल रख के ही होम्योपैथिक मेडिसिन को ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो लोग पूछते रहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन पिल्स वाली अच्छी होती हैं या डाइल्यूशंस अच्छे होते हैं। बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं। दोस्तों दोनों ही व्हीकल्स हैं, दोनों ही मेडिसिन वाहक है। वाहक मतलब कि आप जो डाइल्यूशन देख रहे हैं, जो लिक्विड देखते हैं, उसके अंदर दवा पड़ी है, और जो पिल्स फॉर्म में आपको दी जाती है उसके अंदर भी दवा डाली जाती है। तो आप या तो डाइल्यूशन ले रहे हैं तो भी आपकी दवा उस डाइल्यूशन के साथ जा रही है, और जब आप पिल्स ले रहे हैं तो पिल्स में भी दवा आपके साथ जा रही है। बहुत लोगों को डाइल्यूशन लेने में दिक्कत होती है, उनको बर्निंग सेंसेशन होने लगता, बच्चे बिल्कुल राजी नहीं होते ऐसी दवा लेने के लिए, तो उसमें आप ग्लोब्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर डाइल्यूशन फॉर्म में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, पिल्स फॉर्म में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोनों ही फॉर्म आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए सुटेबल हो आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि लोग पूछते हैं कि ये दवाएं हमें किस ब्रांड के लिए नहीं है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होता है। दोस्तों मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर ब्रांड के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ मैं हमेशा वो आप लोग को रिकमेंड कर सकती हूँ। मैं आप रेक्वेक यूज़ करती हूँ, रेक्वेक अच्छा है, शॉबे अच्छा है, SBL अच्छा है, बैक्सन अच्छा है, ADL अच्छा है, ये सारे ब्रांड्स अच्छे हैं। इनमें से आपको जो मिलते हैं आप वो दवाएँ लें, बशर्ते आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब भी दवाएं खरीद रहे हैं तो आप सील पैक्ड दवाएं लें, कभी भी खुली हुई दवा मत लें, क्योंकि उसमें आप क्वालिटी एश्योरेंस, पोटेंसी एश्योरेंस नहीं कर सकते। आपने फार्मेसी से 30 पोटेंसी मांगी है, उसके पास में भी उस टाइम अवेलेबल नहीं हो तो वो आपको 200 दे सकता है, या 1 ml का मांगी तो 30 दे दी, तो उससे अगर आपकी पोटेंसी डिस्टर्ब हो रही है तो आपकी जो मेडिसिनल एक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और आपको जो मनचाहा रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप दवा लेने जा रहे हैं तो हमेशा सील पैक्ड मेडिसिन ही खरीदें, आप जिसकी ब्रांड के ले रहे हैं, बट ये पता होना चाहिए कि वो दवा सील्ड है। नेक्स्ट कि बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि अच्छा उनको पता तो चल गया, उनको सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं, तो लेकिन वो दवाएं कहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों आपके आसपास के एरिया में बहुत जगह होम्योपैथिक शॉप्स होंगी, बहुत बार होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भी क्लिनिक होती है, वो लोग डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन, तो आप उनके यहाँ से जाके ले सकते हैं। फार्मेसी हैं, अगर आप थोड़े बड़े शहर में रह रहे हैं तो आपको फार्मेसी बहुत आराम से मिल जाएगी, और अगर आपको फार्मेसीज में भी कुछ अगर दवाएं अवेलेबल नहीं हो रही तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप दवाएं मंगा सकते हैं, तो आप उनके थ्रू मंगाएं। मैं कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ आप चेक करें, आपको डेफिनेटली आप सिंपली गूगल पे चेक करें उस दवा को ऑनलाइन कहाँ से मिलेगी, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि किन किन एरिया से आप अपनी दवा मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो लगातार व्यूवर्स आस्क कर रहे थे, पूछते रहते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, ताकि आपको आपके जो जितने भी डाउट हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।